उज्जैन में पिछले 2 सालों से पति ने कर रखा है घर से बेदखल। अपने 5 बच्चों के साथ महिला कई आवेदन देकर बार बार थाने पर गुहार लगा रही है, पर अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। नीलगंगा मल्टी में किराए से अपना जीवन व्यापन करने वाली महिला गब्बू बी पति अनवर खान पिछले 2 सालों से पति के प्रताड़ित से परेशान है। पति का निवास नीलगंगा हनुमान मंदिर के सामने है, जहां से उसने अपने 5 बच्चों के साथ पत्नी गब्बू बी को घर से बेदखल कर दिया है। पति द्वारा किसी भी प्रकार की मदद नहीं करते हुए 2 सालों से प्रताड़ित कर रहा है गब्बू बी द्वारा कई बार नीलगंगा थाने पर पति अनवर के खिलाफ घर से बेदखल करने एवं मानसिक पीड़ा देने पर आवेदन भी दिए गए हैं, जिस पर थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को बुलाकर कई बार समझौता भी करवाया ताकि किसी भी परिवार का घर न टूटे, परंतु पति अनवर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है और पत्नी को मानसिक प्रताड़ित कर रहा है। पुलिस प्रशासन ध्यान दे एवं गरीब महिला को न्याय दिलाए। इस कठिन घड़ी में 5 बच्चों का पेट भरना एक महिला के लिए बहुत ही कठिनाई भरा सफर है। जी सर, गब्बू भी द्वारा कल रात को भी थाने पे चिल्ला चोट की गई, यहाँ आवेदन दिया गया था। काफ़ी टाइम से उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें 5-6 आवेदन यहाँ दे चुके हैं थाने पे। क्या मामला है? ये गब्बू भी पति अनवर ये राजीवरा मल्टी में रहते हैं और उनके पति जो हैं अपनी उनकी माता और उनके सिस्टर के साथ कब्रिस्तान के पास में रहते हैं। उन्होंने कल एक फेम हेल्पलाइन करी थी, तो उनके पति को उनकी बहन वगैरह और इन सबको बुलाया था और आपस में इनकी बात करें, ये पहले भी आपस में विवाद कर चुके हैं, पति पत्नी का विवाद है, इसलिए इसमें हमने आवेदन जांच जो है कराना था। सुमलता मैडम है वो इसमें जांच कर रहे हैं और अब इसमें आगे की जो भी कार्रवाई रहेगी उसके बारे में। सर, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनके 5 बच्चियाँ हैं और वो पिछले 2 साल से किराए से रह रही है, जिसका भरण पोषण कुछ भी उसके पति द्वारा दिया नहीं जा रहा है और वो आवेदन भी काफ़ी यहाँ पर दे चुकी है, लेकिन यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसे वो बता रहे हैं। नहीं, वो आवेदन जाँच में है और सुमनलता मैडम उसमें जाँच में कर रहे हैं, आगे जो भी तथ्य पाएंगे उसके बाद। जी बताइए, क्या समस्या आप नीलगंगा थाने पर आज यहाँ आ रहे हैं? मैं नीलगंगा थाने पे 2 साल से चक्कर काट रही हूँ। 2 साल हो गए मुझे, 2 साल से मेरे कहने 20-25 आवेदन है। मेरे ससुराल से मेरी सास ने, मेरी ननद ने, मेरा आदमी ने मुझे निकाल रखा, ना ले जा रहा है, ना खर्चा देते हैं। 5 बच्चे मेरे साथ हैं, मैं किराए के मकान में रहती हूँ, ना मेरे कहने कोई खर्चा पानी देते हैं, ना कुछ भी नहीं, ना आते भी नहीं है। मैं यहाँ आके थक गई हूँ, ना मेरा कोई निर्णय किरण होता है। यहाँ आते बोले हाँ आज कल आ जाना, परसों आ जाना, बस ऐसे करके टाल देते हैं यहाँ। और आज भी आई हूँ मैं, आज भी मैंने सीएम हेल्पलाइन करी है, जब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। थाने पर आप आते हो, यहाँ से क्या आश्वासन देकर पहुँचाते हैं? बस 2-3 दिन में बुलाएंगे भाई जाओ, 2-3 दिन में बुलाएंगे भाई जाओ, बस ये आश्वासन। अभी तक आपने आपके पास कितने आवेदन है बताओ? मैंने 20-25 आवेदन दे तो दी।